नमस्कार मित्रों, स्वागत है तमारू तमारी पोतानी चेनल एजु गुरु मा। विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण 9 विषय हिंदी एनी ऑक्टोबर मास में लेवायेली प्रथम परीक्षा नु पेपर सोल्यूशन जुए। तो मित्रों, शुरू करिए आप विभाग ए एटले के गद्य विभाग थी। इसमें सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। इसमें सवाल नंबर 1 हम पढ़ेंगे, तो सम्राट अशोक ने खाली जगह को न्याय मंत्री बनाया, तो इसका सही उत्तर है शिशुपाल। इसके बाद सवाल नंबर 2, मोना पढ़ लिख कर खाली जगह बनना चाहता है, तो इसमें सही उत्तर है वकील। इसके बाद है सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण करना है, तो सवाल नंबर 3 हम पढ़ेंगे, अवसर मिले तो दिखा दूं कि, तो इसका सही उत्तर है न्याय किसे कहते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 4, जूही के अनुसार रानी को निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि, तो इसका सही उत्तर है वे गीता पढ़ती थी। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें एक एक वाक्य में लिखने हैं, तो सवाल नंबर 5, भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में दिखता आ रहा है, तो भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में दिखता आ रहा है। इसके बाद सवाल नंबर 6, सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती थी, तो सामान्यतः लेखक को जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द जैसी बीमारियां रहती थी। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखने हैं। इसमें सवाल नंबर 7, लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते। इसके बाद सवाल नंबर 8, मनमोहन को तैरना सिखाने के बारे में सूर्य नारायण ने क्या कहा, तो मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी सूर्य नारायण को सौंपी गई थी। इस बारे में उसने कहा कि एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरेगा। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर हमें 5-6 वाक्यों में देना है, तो सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी, इसे आपको समझाना है। इसके अथवा में भी एक प्रश्न है, बच्चन जी को मरने से जीना क्यों कठिन लगा, तो इसमें से ये 2 सवाल में से किन्हीं एक का आपको उत्तर देना है। इसके बाद हम विभाग बी की ओर बढ़ेंगे। विभाग बी यानी पद्य विभाग का हम सॉल्यूशन अब करेंगे। तो सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। इसमें सवाल नंबर 10, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है, तो इसका सही उत्तर है प्रार्थना। इसके बाद सवाल नंबर 11, गरुड़ खाली जगह में नहीं होता, तो महलों में नहीं होता। इसके बाद सवाल नंबर 12, इसमें हमें काव्य पंक्ति पूर्ण करनी है, तो काव्य पंक्ति का यहाँ पे उत्तर हमें दिया है, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ फैला, मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें एक एक वाक्य में लिखने हैं। इसमें सवाल नंबर 13, कवि लोगों को किस मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं, तो कवि लोगों को विश्व बंधुत्व और मानवता के मार्ग पर चलने का कहते हैं। फिर सवाल नंबर 14, सूरदास का मन कहाँ सुख पाता है, तो सूरदास का मन केवल श्री कृष्ण की भक्ति में सुख पाता है। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें 2-3 वाक्यों में लिखने हैं, तो प्रश्न 15, कर्ण दुर्योधन का साथ क्यों नहीं छोड़ सकता, और प्रश्न 16, हाथ में मक्खन लिए बाल कृष्ण किसके समान लग रहे हैं, तो ये सवाल है। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में हमें उत्तर देने हैं। उसमें सवाल नंबर 17, सूरदास जी ने बालक श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किस प्रकार किया है, और उसके अथवा में भी हमें प्रश्न दिया गया है कि भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं, तो ये 2 सवाल में से किन्हीं एक का आपको उत्तर लिखना है। अब हम विभाग सी यानी कि व्याकरण विभाग का सॉल्यूशन देखेंगे। तो निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करना है, तो यहाँ पे हमें एक मुहावरा दिया है, कातर ढंग से देखना, तो इसका मतलब है भयभीत होकर देखना, और इसका वाक्य आपको खुद बनाना है। फिर निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट करना है कि अंधी पीसे कुता स्वाय, तो काम करे कोई और फल कोई खाए।
इसके बाद निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध करना है, उसे कितना आम चाहिए, तो कितना की जगह आएगा कितने, यानी कि उसे कितने आम चाहिए। फिर निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द में लिखना है, तो सुप्रबंध तो उसका विरोधी शब्द है कुप्रबंध। फिर निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची शब्द हमें लिखना है, पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द, चुनौती तो उसका पर्यायवाची शब्द है ललकार। फिर निम्नलिखित शब्द समूह के लिए हमें एक शब्द लिखना है कि स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाला, तो उसे हम कहेंगे स्वामी भक्त। फिर निम्नलिखित शब्द का उपसर्ग हमें देना है आयोजन, तो उसमें आ वो उपसर्ग है। फिर निम्नलिखित वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर हमें लिखनी है, तो यहाँ पे हमें एक वाक्य दिया है, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं, तो विलासिता वो संज्ञा है। फिर निम्नलिखित वाक्य में से कर्तुवाचक संज्ञा पहचान कर लिखनी है, तो रोहित शर्मा क्रिकेट का खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी वह कर्तुवाचक संज्ञा है। फिर निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखना है, तो क्रोधी व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है, तो क्रोधी वह विशेषण हुआ। तो यहाँ पे हमारा व्याकरण विभाग का सॉल्यूशन खत्म हो रहा है, अब हम विभाग डी की ओर बढ़ेंगे। विभाग डी यानी कि लेखन विभाग का सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक निम्नलिखित परिच्छेद दिया गया है, उसे पढ़कर नीचे दिए गए सवालों के हमें उत्तर देने हैं, तो ये परिच्छेद आप पढ़ लेना, इसके हम उत्तर देखते हैं सवालों के। तो सवाल नंबर 28, पिंजड़े में बंद जंगली जानवर सुखी क्यों नहीं हो सकता, तो इस सवाल नंबर 28 का जवाब यहाँ से हमें लिखना है, जंगल में पैदा हुए किसी जानवर का आप पिंजड़े में बंद कर सकते हैं, उसे लाख आराम पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं, पर वह सुखी नहीं हो सकता, उसे तो अपने जंगल का देश ही प्यारा लगता है। फिर सवाल नंबर 29, इस गंधखंड से हमें क्या सीख मिलती है, तो इस गंधखंड से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी जीव या पशु पक्षी को गुलाम नहीं बनाना चाहिए। और प्रश्न 30, इस गंधखंड को उचित शीर्षक हमें देना है, तो इसका उचित शीर्षक है आजाद जीवन। इसके बाद निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर हमें कहानी लिखनी है, तो यहाँ पे हमें कहानी के कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इसका हमें उपयोग करके कहानी लिखनी है और उसे उचित शीर्षक देना है, इसके 3 मार्क्स है। ये कहानी के अथवा में हमें एक पत्र लेखन पूछा गया है कि अपने मित्र को अपने एक दिवसीय प्रवास का वर्णन पत्र में लिखकर कीजिए, तो या आप कहानी लिख सकते हो या पत्र, ये किन्हीं दो में से एक सवाल का आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर करीब 100 शब्दों में निबंध लिखना है, तो यहाँ पे हमें 3 विषय दिए गए, ये 3 में से किन्हीं एक विषय पर आपको 100 शब्दों में निबंध लिखना है, और इसके 4 मार्क्स है। उसमें विषय है मेरा प्रिय त्यौहार, मेरा भारत महान और वृक्षारोपण, ये 3 में से किन्हीं एक के बारे में आपको निबंध लिखना है। तो यहाँ पे आज का हमारा हिंदी का पेपर सॉल्यूशन खत्म हो रहा है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय भारत, जय हिंद।